हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है 16 अक्टूबर, ठीक है। तो डेली बेस पे हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, नेशनल इंटरनेशनल, जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप SSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी स्टेट में पुलिस कॉन्स्टेबल, PCS, चाहे बड़ी बड़ी सिविल सर्विस UPSC हो, ठीक है। और साथ ही साथ आपका आर्मी, अग्निवीर वगैरह जो एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे होंगे, उस सभी एग्ज़ाम के लिए काम आएगा, जो आपके हर कंपिटेटिव एग्जाम। भारत का ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं जहाँ पे जो है करंट अफेयर्स आपसे पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है। तो लगभग सभी एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। मिनिमम कितना क्वेश्चन पूछा जाता है? तो मिनिमम जो है 12 से 15 तक के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जो हर एग्ज़ाम के लिए कंपलसरी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम में पूछेगा, आपके हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, और PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह आपको सभी को जो है प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जो है अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस कब मनाया गया? इसको जो है 13 अक्टूबर को, याद रखिए, हाल ही में इसको जो है 13 अक्टूबर को इसको मनाया गया है, जो हर साल इसको जो है हम 13 अक्टूबर को मनाते हैं। इस दिन मनाने के मकसद क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? तो दुनिया भर में आपदाओं के प्रति, ठीक है, आप देखे होंगे ऐसे बहुत सारे हमारे जो भारत में जगह है, जैसे आपका उत्तराखंड, ठीक है, बहुत सारे जो राज्य हैं यहाँ पे जो है आपदा वगैरह यहाँ पे जो है आती रहती है, ठीक है। तो इसीलिए जो है जोखिम कम करने और जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य इसको जो है मनाई जाती है, ठीक है। आपदा शिक्षा के महत्व के बारे में लोगों को, ये इस तरह का जो है यहाँ पे जो है जो प्राकृतिक खतरा वगैरह होता है, इसे जो है पर्यावरण, ठीक है, तकनीकी और जैविक खतरे से जुड़े जोखिम वगैरह यहाँ पे जो है बताया जाता है, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो हाल ही में भारतीय नौसेना जो जहाज है शार्दुल अपनी लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती के हिस्से के रूप में कहाँ पहुँचा है? तो दुबई शहर में आपका पहुँच चुका है, ठीक है। याद रखिए, लंबी दूरी प्रशिक्षण तैनाती पे भारतीय नौसेना के जहाज आपका जो है आपके दुबई पहुंचा है, एक प्रशिक्षण के लिए यहाँ पे गया है, ठीक है, अभ्यास के लिए गया है। यहाँ पे जो है समुद्री सुरक्षा को लेके, ठीक है, संचालन और अलग अलग जो है पहलुओं पे यहाँ पे जो है बंदरगाह को सुरक्षा के उद्देश्य से यहाँ पे जो प्रशिक्षण के लिए यहाँ पे गई हुई, ठीक है। इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। हमारा जो भारतीय नौसेना जहाज है शार्दुल, और साथ ही साथ इनके साथ भी यहाँ पे जो है नौसेना जहाज यहाँ पे गए हुए हैं, तो इसको आपको याद रखना है, सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। हाल ही में कहाँ जो है अंतर संसदीय संघ की बैठक शुरू हुई है? मुंबई, जिनेवा, कैनबरा या इनमें से कोई? तो ये जो है कहाँ का जाना माना शहर है? जिनेवा। तो याद रखिए, कई बार बताया हूँ, स्विट्ज़रलैंड के अंतर्गत जो है जिनेवा आती है। यहाँ पे अंतर संसदीय संघ की बैठक हुई है, कौन से एडिशन का है ये? 149वीं क्रम की बैठक है, ठीक है। यहाँ पे जो है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी यहाँ पे जो है पहुँचे हुए हैं स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में। ये जो है अंतर संसदीय संघ की जो है ये बैठक है, ठीक है जी, इसमें जो हमारे ओम बिरला जी पहुँचे हुए। तो बैठक खास करके जो है शांतिपूर्ण और सतत भविष्य के लिए जो है साइंस और टेक्नोलॉजी नवाचार का उपयोग, इस जो है उद्देश्य से यहाँ पे जो है जिनेवा इस बैठक का आयोजन किया गया। हाल ही में किस देश के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपनी पुस्तक अनलिस्ट लॉन्च की है? तो ब्रिटेन के, ठीक है। कौन थे जी पूर्व यहाँ के जो है प्राइम मिनिस्टर? तो बोरिस जॉनसन, याद रखिएगा, बोरिस जॉनसन, ठीक है। तो ये पूर्व ब्रिटिश जो है प्रधानमंत्री थे जॉनसन, इन्होंने जो है किताब में जो है पूर्व प्रधानमंत्री ने अपनी जो पुस्तक अनलिस्ट लॉन्च की, इस पुस्तक में ऐसा क्या खासियत? तो इन्होंने अपनी जो है मतलब जो एक प्रधानमंत्री जो कार्यकाल अपना जो एक्सपीरियंस इन्हें जीवन की घटनाओं पे जो किताब लिखी, इस किताब में जो है अनलिस्ट इसको नाम दिया गया है, ठीक है, जिसमें हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री जी बुक में अपने एक्सपीरियंस भी इन्होंने यहाँ पे शेयर किए, ठीक है जी। इसमें हमारे प्रधानमंत्री बोरिक जो प्रधानमंत्री हमारे मोदी है उनके बारे में भी इन्होंने जो है इस बुक में इन्होंने बताया गया अनलिस्ट, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। और ब्रिटेन की, ठीक है, ये आपका अभी वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो आपका केयर स्टेनमेयर करके यहाँ के भी प्रधानमंत्री नए बने हैं, इसको याद रखना है। हाल ही PM शक्ति, ठीक है, PM गति शक्ति जो अनुभूति केंद्र कहाँ आयोजित हुआ है? तो आपका दिल्ली में आयोजित हुआ है, तो इसका आयोजन दिल्ली में किया गया है, आपका तीसरी वर्षगांठ है, ठीक है। तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने गति शक्ति अनुभूति केंद्र के तीसरी वर्षगांठ पे जो है यहाँ पे जो है इन्होंने जो है दौरा किया है, भारत मंडपम में ये जो है आयोजित हुआ है, जिसमें इस जो है दिल्ली में इस जो है अनुभूति केंद्र जो PM शक्ति, इसमें जो है अलग अलग मुद्दों पे, ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में, ठीक है, इन्होंने अपनाने की सराहना की, विकसित भारत, ठीक है, 2047 से विकसित राष्ट्र, अलग अलग मुद्दों पे यहाँ पे जो है चर्चा किया गया, ठीक है। तो ये जो है इन्होंने जो है
पूरे 3 साल होने के जो है सराहना इन्होंने यहाँ पे किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा के पहले चरण में कहाँ पहुँची है, मालावी, मारिटानिया, अल्जीरिया या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता होगा हमारे जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू अफ्रीका के 3 देशों के जो ऐतिहासिक यात्रा पे गए हुए, जहाँ पे मलावी, मारिटानिया और अल्जीरिया, ठीक है। तो इन्हों यहाँ पे पहले चरण में कहाँ पहुँची है, ये आपके अल्जीरिया पहुँची हुई, फिर इसके बाद जो है मलावी, मारिटानिया जो है यात्रा पे जो है ये अफ्रीका का अंतर्गत आती है, यहाँ पे जो है यात्रा पे गई हुई, जहाँ पे इनका जो है भव्य स्वागत भी किया गया। ऐसा फर्स्ट टाइम हो रहा है जो हमारे भारतीय राष्ट्रपति की अल्जीरिया की पहली यात्रा है, ठीक है, फर्स्ट टाइम ऐसा देखने को यहाँ पे मिल रही है। यहाँ के जो है हवाई अड्डे में जो अल्जीरिया के भी वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं, अभी वर्तमान के यहाँ के जो है अब्देल मजीद करके तौबनी करके यहाँ के राष्ट्रपति हैं, यहाँ इन्होंने जो है अपने जो है यहाँ पे जो है हवाई अड्डे में जाके इन्हें भव्य यहाँ पे स्वागत किया गया है। तो अपने यात्रा के दौरान ये जो है अल्जीरिया पहुँची हुई, ठीक है, अफ्रीका अंतर्गत आती है। याद रखिएगा, हाल ही में अडानू ग्रुप किस देश में बिजली की हालत सुधारेगा, माली, केन्या, सूडान या इनमें से कोई। तो अडानी ग्रुप को तो आप सभी जानते हैं, ठीक है, तो हाल ही में यहाँ पे जो है बिजली की हालत कहाँ के, केन्या के, ठीक है, केन्या जो सरकार है यहाँ पे जो है अडानी के साथ यहाँ पे डील फाइनल की है, ठीक है। तो केन्या में बिजली की जो है हालत यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो ट्रांसमिशन लाइन्स के लिए लगभग इसके लिए 73 से 74 करोड़ यहाँ पे डॉलर के यहाँ पे डील किया गया है केन्या सरकार, इस प्रोजेक्ट पे जो है यहाँ पे जो है डील किया गया है। अगर मैं केन्या की बात करूँ, ये जो केन्या आपका पूर्वी अफ्रीका, ठीक है, एक कंट्री जो है पूर्वी अफ्रीका देश है और केन्या में लगातार बिजली समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो अडानी की इस परियोजना का उद्देश्य यही है, केन्या के जो है जो बुनियादी ढांचा है, ठीक है, बिजली ये जो है आपको दिक्कतें हो रही है इसको जो है सुधारने काम करेगी, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे लगभग 30 सालों के लिए जो है बिजली आपूर्ति के लिए यहाँ पे जो है डील किया गया है केन्या में, तो इसको याद रखो। अडानी ग्रुप के जो मालिक हैं गौतम अडानी, आप सभी जानते हो, ठीक, इसके जो है मालिक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जीएन साई बाबा का निधन हुए, कौन थे। तो ये आपका प्रोफेसर थे, याद रखिएगा, तो दिल्ली विश्वविद्यालय के जो है पूर्व प्रोफेसर है जीएन बाबा, ठीक है, इनका जो है हाल ही में जो है डेथ हो गया है, ठीक है, कई महीनों से यहाँ पे जो है मतलब जो है तबीयत खराब चल रही थी जिसके कारण इनका डेथ हो गया है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण जो अभ्यास काजिन के 8वें संस्करण का समापन उत्तराखंड में हुआ है, तो कजाकिस्तान, याद रखिए। तो भारत और कजाकिस्तान के बीच जो है सैन्य, ठीक है, प्रशिक्षण अभ्यास जो है कराया जा रहा था, ठीक है, जिसका 8वां संस्करण है समापन उत्तराखंड में किया गया, ठीक है। कौन कौन से देश, कजाकिस्तान और आपके भारत के बीच, इसको नाम क्या दिया, काजिन 2024 उसको नाम दिया, ठीक है, मतलब उद्देश्य यही है, ठीक, दोनों देशों के बीच जो है तालमेल बैठाना है और हमारे सैन्य शक्ति को आतंकवादी जो विरोधी अभियान चलाने के लिए यहाँ पे जो है इसको जो है जड़ से ख़त्म करना है, दोनों के देशों के बीच जो है सैन्य क्षमता को बढ़ाना इसका मेन उद्देश्य है, ठीक है, तो इसको याद। कजाकिस्तान की चलिए बात, इस कंट्री की बात करूँ, लैंड लॉक कंट्री है, ठीक, कंट्री आपके सेंट्रल एशिया के अंतर्गत ये कंट्री आती है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कैपिटल की, ये जो है अस्ताना यहाँ की राजधानी है, ठीक, अल्मेटी करके यहाँ के जो है लार्जेस्ट सिटी है। और यहाँ का मैं जो है बात करूँ प्रेसिडेंट यहाँ पे जो है तभी जो है कैसम जोमाट करके यहाँ के जो है प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर जो है ओल्जस करके हैं, यहाँ के भी प्रधानमंत्री हैं। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश के जिन न्यूक्लियर जो है फैसिलिटी पर बहुत बड़ा जो है साइबर अटैक हुआ है, फ्रांस, इटली, ईरान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ईरान, ठीक है। तो इजराइल से तनाव के बीच, ठीक है, आपका जो आप सभी को पता है इजराइल और ईरान के बीच ये आपका जो है बहुत लंबे समय जो है तनाव चल रही, इसी बीच में जो है इजराइल से जो है तनाव के बीच ईरान के ऊपर जो है हाल में एक बड़ा जो है साइबर हमला जो है हुआ है, जिसमें इसके परमाणु संयंत्रों को, ठीक है, जिसमें आपका इसके यहाँ पर जो परमाणु संयंत्रों को भी जो है निशाना बनाया गया। साइबर हमले से ईरानी सरकार के 3 शाखाओं को जो यहाँ पर असर पड़ा हुआ है, ठीक है, जो खास करके दोनों देशों के बीच मतभेद चल रही है, इसलिए यहाँ पर जो है साइबर अटैक यहाँ पर देखने को मिल रही। चलिए ईरान के बारे में, अगर ईरान की बात करूँ तो वेस्ट एशिया के अंतर्गत ये कंट्री आपकी आती है और यहाँ की मैं कैपिटल की बात करूँ तेहरान, ठीक है, कई बार बताया हूँ तेहरान इसकी राजधानी है। पार्शियन यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है और यहाँ के प्रेसिडेंट है आपके जो मसौद करके हैं यहाँ पे जो है यहाँ के प्रेसिडेंट है, तो इसको याद रखना है। 11वां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ शुरू हुआ है, तो आपके कुल्लू में। तो कुल्लू कहाँ के अंतर, कौन से राज्य के अंतर्गत आती है, तो आपका हिमाचल प्रदेश, ठीक, हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत याद कुल्लू जो है, कुल्लू मनाली सुने होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आती है
ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे दशहरा यहाँ पे हर साल आयोजन होता ही, ठीक है। और यहाँ से लोग धूमधाम से यहाँ पे जो है इस पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ ही जो है कुल्लू में इसको जो है मनाई जाती है भव्य तरीके, जिसमें भव्य तरीके से रथ यात्रा निकाली जाती है, ठीक है। और यहाँ पे जो है पारंपरिक जो पोशाक वगैरह पहनकर हजारों लोग इसमें जो है भाग भी लेते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखना है, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने लेबनान में तत्काल युद्ध विराम का जो है आह्वान किया है, तो आपका फ्रांस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रांस, ठीक। फ्रांस की राजधानी पेरिस, ठीक है, इमैनुअल मैक्रोन करके यहाँ का अभी जो है प्रेसिडेंट है, ठीक है। तो यह जो है लेबनान में, ठीक है, ये खास करके फ्रांसीसी जो राष्ट्रपति हैं, लेबनान में हाल ही में एक जो है बम विस्फोट हुआ है जिसमें इन्होंने गहरी चिंता जताई है, ठीक है। उनके मतलब ये जो घटना ऐसा हो रहा है कि जो है ये जो है मतलब तनाव यहाँ बढ़ने का एक मुख्य कारण भी हो सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे जो राष्ट्रपति जो है इन्होंने लेबनान के तत्काल युद्ध को जो है, ठीक है, इसको जो है मतलब शांति जो है लाने के लिए जो है आह्वान यहाँ पे किया गया है लेबनान में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में विद्यारंभ उत्सव मनाया गया, तो ये आपका केरल में। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा केरल, तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है, पिनराई विजयन यहाँ के मोहम्मद पिनराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री है, आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के अभी, ठीक है, कौन है तो ये अभी गवर्नर है, ठीक है। तो हाल ही में विद्यारंभ जो उत्सव है महोत्सव है केरल में इसको मनाई जाती है। केरल में विजयादशमी के दिन ये जो विद्यारंभ जो महोत्सव मनाया जाता है, इस दिन बच्चों को पहला अक्षर लिखाया जाता है और उन्हें ज्ञान और शिक्षा के दुनिया में जो परिचित कराया जाता है, ठीक है, इसका मेन उद्देश्य है, ठीक है। तो इसी तरह केरल में ये जो उत्सव को हर साल मनाई जाती है विजयादशमी के दिन, ठीक है, जिसमें पूजा पाठ और अर्चना वगैरह यहाँ पर लोगों के द्वारा इसको ये धूमधाम से इसको मनाई जाती है। हाल ही में दिल्ली मेट्रो को किस लाइन को कार्बन न्यूट्रल प्रमाण पत्र दिया गया है, तो आपका ब्लू लाइन को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक। तो दिल्ली मेट्रो सुने होंगे, ठीक है, मेट्रो, तो दिल्ली मेट्रो की जो ब्लू लाइन को, ठीक है, जो स्टेशन इसको जो है मतलब उल्लेखनीय कार्बन कटौती के लिए जो है ये प्रमाण पत्र इनको दिया गया है। तो उपलब्धि जो है दिल्ली मेट्रो ने जो है अपने नाम यहाँ पे किया गया है। ये आपका जो मेट्रो है ब्लू लाइन जो है यहाँ पे जो है उत्तर प्रदेश के जो यूपी के गाजियाबाद से जो है वैशाली से जोड़ने वाली जो ब्लू लाइन जो एक हिस्से के कार्बन न्यूट्रल सर्टिफिकेट से इसको जो है मिला, उत्सर्जन को लेके जो पर्यावरण की सुरक्षा को देखते हुए, ठीक, इन्वायरमेंट, ठीक है, ये हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट आप सभी पता होगा, ठीक है। तो ये जो सभी को देखते हुए पर्यावरण के अनुकूल ये जो है कार्बन उत्सर्जन को देखे जो है ये जो है सावधानी बरतने के लिए इनको दिया गया स्वच्छता को लेके। हाल ही में कहाँ प्रतिष्ठित अलाई बलाई समारोह आयोजित किया गया, केरल, तेलंगाना, कर्नाटक या इनमें से कुछ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलंगाना, ठीक। तो अलाई बलाई समारोह आयोजित किया गया है आपका तेलंगाना में, ठीक है। यहाँ के लोगों के द्वारा ये जो है यहाँ के कला और संस्कृति को दर्शाते हुए ये जो समारोह का आयोजन किया गया है तेलंगाना में। तो ये जो अलाई बलाई जो समारोह है, ठीक है, दशहरा के एक दिन बाद से इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है। यहाँ की कला और संस्कृति बेस्ट होता है, ठीक है, सभी को जो है एकता के प्रतीक इसको जो है मनाई जाती है, ठीक है। तेलंगाना की बात करूँ, हैदराबाद इसकी राजधानी है, रेवानाथ रेड्डी यहाँ के अभी जो है मुख्यमंत्री, ठीक है, बंडारू दत्तात्रेय जो हरियाणा के राज्यपाल यहाँ भी जो है पहुँचे हुए थे, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन यही तक रखते, कैसा लगा सेशन कमेंट करके जरूर बताइएगा और आपका जो PDF टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो चलिए, थैंक यू।